तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अशासकीय स्कूल की भर्ती लगातार आ रही है और इसमें जो है दो स्कूल के बारे में बात करेंगे और इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और भी पोस्ट हैं उनमें निकल रखी है वैकेंसीज। और दो स्कूल के हम बारे में बात करेंगे, जो भी इसकी यहाँ पर तिथि है, लास्ट डेट और कितने पद हैं, योग्यता क्या क्या रखी है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये कार्यालय जो है भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल, यहाँ से निकल के आ रखी आवश्यकता है। इस तरह से है यहाँ पे विद्यालय में जो है रिक्त प्रवक्ता और LT के पदों के लिए जो है अस्थायी नियुक्ति हेतु यहाँ पर जो है योग्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि आपकी जो पोस्ट है ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगी सारे सब, लेकिन ये सेमी गवर्नमेंट स्कूलों में है और ये जो भर्ती रहती है वो स्थायी रहती है, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है ये। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, LT है और यहाँ प्रवक्ता है, इन पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अगर इसमें बात करें हम प्रवक्ता हिंदी के लिए जो है आप लोग देख सकते हैं 47,600 से स्टार्टिंग है, एक पद यहाँ पर आया हुआ है। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आया हुआ है, आपके पास जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, MA हिंदी होना चाहिए, BA में जो है संस्कृत होना कंपलसरी है, BEd होना कंपलसरी है, UTET या CTET होना कंपलसरी नहीं है क्योंकि प्रवक्ता में UTET CTET नहीं चलता है। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का है, इसमें जो है एक पोस्ट है, 47,600 स्टार्टिंग सैलरी जो भी गवर्नमेंट देती है, और ये अनारक्षित वालों के लिए है। आपके पास जो है MSc भौतिक विज्ञान से होना चाहिए और BEd होना कंपलसरी है। और तीसरी वैकेंसी आई है आपका जीव विज्ञान के लिए, प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए आ रखी है एक पोस्ट, इसमें भी सैलरी भी सेम रखा गया है, अनारक्षित के लिए है। और MSc जो है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से आपके होने चाहिए और ठीक है, और BEd होना कंपलसरी है। चौथी वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर LT हिंदी का है और इसमें जो है 44,000 LT के पोस्ट है, 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी होती है LT में। तो इसमें जो है आपके पास एक पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रखा गया है और इसमें जो है आपके पास स्नातक हिंदी के साथ होना चाहिए, BEd होना कंपलसरी है और इंटरमीडिएट में संस्कृत होना कंपलसरी है और इसमें जो है UTET सेकेंड या CTET सेकेंड होना कंपलसरी है। और वहीं आपकी जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, LT की है दूसरी पोस्ट भी, पाँचवें नंबर की है, तो LT हिंदी है इसमें और ये जो है EWS वालों के लिए रखा गया है, एक पोस्ट है इसमें और इसमें आप लोग देख सकते हैं हिंदी है और BEd है और यहाँ पर BEd हिंदी होना चाहिए, BEd होना चाहिए और संस्कृत होना चाहिए हाई स्कूल में, सॉरी इंटर में, ठीक है, और UTET CTET होना चाहिए, वही क्वालिफिकेशन जो ऊपर लिखा गया है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं सहायक अध्यापक LT अंग्रेजी के लिए है और इसमें भी लेवल आप लोग देख सकते हैं, LT का पोस्ट है तो 44,900 से स्टार्टिंग होगा, अनारक्षित के लिए है, एक पोस्ट रखा गया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास जो है ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होना चाहिए, BEd होना चाहिए, UTET सेकेंड या CTET सेकेंड होना कंपलसरी है। और सातवीं वैकेंसी है यहाँ पर LT की मैथ्स की निकल के आ रखी है और इसमें जो है 44,900 से सेम है, उसमें भी सैलरी एक पोस्ट है, अनारक्षित के लिए है। आपके पास जो है आपके पास जो है फिजिक्स और मैथ्स ये होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में और BEd होना जरूरी है, UTET सेकेंड या CTET सेकेंड में से कोई भी आपके पास होना जरूरी है। और आठवीं वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं LT विज्ञान की पोस्ट है, 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी है, एक पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए और इसमें जो है रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और विज्ञान के साथ जो है आपके पास स्नातक होना जरूरी है, BEd होना जरूरी है, UTET सेकेंड CTET सेकेंड होना कंपलसरी है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पर योग्यताएं और क्या क्या रखी गई हैं इसके लिए डिटेल में जानेंगे, तो योग्यताएं वही चीज़ हैं जो आपके ग्रेजुएशन यहाँ पर आपके पास LT के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास जो है प्रवक्ता के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd दोनों में चलेगा। और ग्रेजुएशन लेवल में जो आपके पास LT का है इसमें जो है BEd के साथ साथ जो है UTET सेकेंड या CTET सेकेंड होना कंपलसरी है। और अगर बात करें यहाँ पर इसके लिए जो है नियम और कानून है वो 2009 के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये दिनांक 25 अप्रैल 2018 के अनुसार यहाँ पर जो है चयनित जो है प्रतिक्रिया संपादित की जाएंगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और जो यहाँ पर आवेदन हेतु जो नियम और शर्तें हैं वो आप लोग देख सकते हैं, 300 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा जो कि आप लोग बैंक से लगा सकते हैं या पोस्ट ऑर्डर से लगा सकते हैं, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम पर दिया होगा और यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस यानी कि भीमताल से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आवेदन पत्र जो है यहाँ पर कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमताल नैनीताल को जो है पंजीकृत डाक से जो है प्रक्षेपित करना पड़ेगा आपको 21 दिन के भीतर, यानी कि ये डेट है आपकी पब्लिश है 25 मार्च को, 25 मार्च को जो है इसकी डेट पब्लिश थी और यहाँ पर आप देखते हैं ये 21 दिन आप ऐड कर लेना, इसकी लास्ट डेट आपको पता चल जाएगा। और विलंब से जो है पहुँचने पर यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको सभी को संलग्न करना अति आवश्यक है और आवेदन पत्र के साथ जो है अपनी शैक्षिक जितने भी योग्यताएँ हैं उसको सेल्फ एस्टेट करके आपको भेजना है। और आयु जो है 21 से 42 की बीच में होना चाहिए आपका और उसमें जो है आयु छूट मिलेगी जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। और आपके पास जो है स्थायी निवासी होना चाहिए उत्तराखंड का और एम्प्लॉयमेंट में आपका नाम होना चाहिए या पंजीकृत होना चाहिए या नवीनीकृत आपका होना चाहिए।
और वहीं आपके पास जो है इस तरह से लिखा गया है। अब बाकी आपके पास जो है लिफाफे की जो यहाँ पर ऊपर बाईं ओर जो है पद का नाम है, दाईं ओर जो है विद्यालय का नाम अंकित करना, ये बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन संख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। दूसरी वैकेंसी आप लोग देखते हैं, ये निकल के आपकी NH इंटर कॉलेज हल्द्वानी में निकल के आ रखी है। ये भी आपकी 25 तारीख को ही निकल के आ रखी है, 25 मार्च को जो है पब्लिश डेट है इसकी भी। और इसमें जो है एक पोस्ट आपकी मैथ्स की आ रखी है आपकी, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए। आपके पास जो है क्वालिफिकेशन स्नातक मैथ्स से होना चाहिए और यूटेट सीटेट सेकेंड होना कंपल्सरी है। और हिंदी की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है एक पोस्ट, और ये भी जो है आपकी ठीक है, ये आई है आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS वालों के लिए यहाँ पर आई है। इसमें आपके पास हिंदी के साथ साथ संस्कृत होना कंपल्सरी है ग्रेजुएशन में, और यहाँ पर BEd होना कंपलसरी है, या अगर आपके पास इंटरमीडिएट संस्कृत है तो भी चलेगा यहाँ पे। और तीसरी पोस्ट आप लोग देखते हैं हिंदी की पोस्ट है, ये भी अनुसूचित जाति वालों के लिए रखा गया है। इसमें भी क्वालिफिकेशन वही चीज़ें हैं जो ऊपर यहाँ पर गई है, एक पोस्ट इसके लिए भी यहाँ पर आई हुई है। और ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर संस्कृत की पोस्ट भी आ रखी है एक पोस्ट, यही अनुसूचित जाति के लिए आ रखी है। आपके पास जो है संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में और BEd होना चाहिए संस्कृत, अगर आपके पास इंटर में भी है ठीक है और संस्कृत ग्रेजुएशन में भी है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे ठीक है। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है आपके पास हिंदी और संस्कृत का ठीक है। और यहाँ पर आपके पास यूटेट सेकेंड सीटेट सेकेंड होना कंपलसरी है। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पर भी लगा, सेम उसी की तरह है, मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से ही आपको फॉर्म भी मिलेगा। और यहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट बैंक से लगा सकते हो, पोस्ट ऑर्डर्स लगा सकते हो, 300 रुपये का ही लगाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है फॉर्म फिल कर पाओगे। और लास्ट इसकी भी 21 दिन है यानी कि 25 तारीख से 21 दिन ऐड करना, लास्ट डेट आपको पता चल जाएगा। और इसको भी जो है पंजीकृत डाक द्वारा भेजना है। मेन चीज़ आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो है आपके पास उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए ही है, और न्यूनतम जो है 21 से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए अभ्यर्थी को। और यहाँ पर जो लिफाफे के बाहर पे है आवेदित पद का नाम है, विषय है और आरक्षण का जो श्रेणी है आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर फिल कर पाओगे, नहीं तो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनके लिए डाल सकते हैं फॉर्म।